1998 और 2022 दो मैचेस, दो आर्च राइवल्स और दो लेजेंड्स जिन्होंने इंडिया को दो ऐसे मैचेस जिताए जो उस वक्त कोई और नहीं जिता सकता था। एक क्रिकेट का गॉड तो दूसरा क्रिकेट का गोट। एक ने हिंदुस्तान को क्रिकेट सिखाया तो दूसरे ने इंडिया को जीतना सिखाया। दोनों के करोड़ों चाहने वाले, दोनों के लाखों क्रिटिक्स, दो अलग अलग जनरेशन ऑफ क्रिकेट के एम्बेसडर्स और दोनों के रिकॉर्ड अनबीटेबल, अनफॉरगेटेबल, अनटचेबल। लेकिन ऐसे में कंपैरिजन तो होता ही है, आखिर फैंस करे भी तो क्या, वाटर कूलर की डिबेट में उन्हें भी तो जीतना है। तो आइए एक जेन्युइन कंपैरिजन करते हैं बिटवीन गॉड सचिन तेंदुलकर एंड गोट विराट कोहली। सचिन का डेब्यू था 1989 में और वो रिटायर हुए इन 2013, मतलब 24 साल। यानी कि अगर आप 1989 में पैदा हुए होते तो सचिन तब तक खेलते रहे जब तक आपको आपकी पहली सैलरी नहीं मिली। सचिन के कुल 200 टेस्ट मैचेस में 15,921 रन है, जिसमें 51 सेंचुरीज हैं विद 68 हाफ सेंचुरीज। एवरेज है 53 का और हाईएस्ट स्कोर है 248 नॉट आउट वर्सेस बांग्लादेश। ओडीआईज में सचिन ने 49 सेंचुरीज के साथ 18,426 रन मारे हैं, जिसमें 96 फिफ्टीज शामिल हैं एट एन एवरेज ऑफ 44। हाईएस्ट स्कोर इज इनक्रेडिबल 200 नॉट आउट वर्सेस साउथ अफ्रीका। वहीं विराट की अगर बात करें तो अभी तक 113 टेस्ट मैचेस में वो बना चुके हैं 8,848 रन एट एन एवरेज ऑफ 49 विद 2900 एंड 30 फिफ्टीज। और ओडीआईज में तो विराट का कोई जवाब ही नहीं, 292 ओडीआईज में 13,848 रन करीब 59 की एवरेज के साथ 50 हंड्रेड और 72 फिफ्टीज। अभी रिसेंटली विराट ने सचिन का 49 ओडीआई सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ा है। यानी कि अगर आंकड़ों की माने तो विराट आने वाले दिनों में शायद सचिन के काफी सारे रिकॉर्ड तोड़। तो चलिए मान लेते हैं कोहली इज ग्रेटर देन सचिन। आप इस स्टेटमेंट से तभी सहमत होंगे अगर आपने क्रिकेट देखना 2011 या 12 से शुरू किया है, क्योंकि आपके सामने आपने सिर्फ विराट कोहली को ही देखा है, गौर से उनके गेम को परखा है और इंटरनेट की एज में आपने उन्हें दिन रात सुबह शाम स्टॉक किया है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, थोड़ी मेरी भी सुन लो। मैं एक टिपिकल 90s किड हूँ जो कि 1994 में जन्मा और 1998 से क्रिकेट को घोल के पी चुका हूँ। मैंने सचिन तेंदुलकर की ग्लोरीज भी देखी हैं और विराट की स्टोरीज भी देखी हैं। एज अ कल्ट क्रिकेट फैन मेरे लिए ये डिसीजन लेना उतना ही मुश्किल है जितना रोहित शर्मा का टॉस जीतने पर डिसाइड करना कि बैटिंग लेनी है या बॉलिंग। और हाँ, अपना आर्ग्यूमेंट रखने से पहले मैं ये जरूर बता दूं, आई एम अ डाई हार्ट कोहली फैन, आरसीबी फैन, और मैं कोहली का फैन उनके अंडर 19 डेज से हूँ। लेकिन अब मैं आरसीबी की जर्सी उतार के इंडिया की जर्सी पहनकर आपको एक लॉजिकल कंपैरिजन देना चाहता हूँ। 2002 में जब नैटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल इंडिया ने जीता तब हमें रियलाइज हुआ कि यार इंडिया ऐसे क्लोज मैचेस जीत सकती है और वो भी सचिन के बिना। 2005-06 में जब धोनी युवराज की जोड़ी जमनी शुरू हुई तो हमें मिल गए दो स्पेशलिस्ट फिनिशर्स। 2007 T20 वर्ल्ड कप जीतने पर हमें मिले 11 ऐसे हीरोज जो अपने आप में मैच विनर्स थे। और 2011 वर्ल्ड कप जीतने पर हमें इंडिया पर पूरी तरह भरोसा हो गया कि हमारे सामने कोई भी ओपोनेंट आए हम ही जीतेंगे। विराट ने जब कैप्टेंसी अपनाई तो ओवरसीज में भी जीतने का कॉन्फिडेंस हमें मिला। विराट के 2012 में 133 रन उन्हें द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज जनरेशन बना चुके थे। लेकिन 2014 में एक ऐसा टूर था जब विराट सिर्फ 13 के एवरेज से खेल रहे थे। ये टूर था इंग्लैंड का, जहां बॉल इतनी स्विंग होती है जितनी मुरलीधरन की स्पिन। लेकिन क्योंकि हर बड़ा खिलाड़ी हर बार एक जबरदस्त कमबैक करता है तो कोहली ने भी लिख दी अपनी कहानी। वो ऑस्ट्रेलिया टूर पर जब गए तो पूरी दुनिया को दिखा विराट कोहली 2.0, जिसने सेंचुरी पे सेंचुरी मारकर ऑजीज की नाक में दम किया। पर ये सब हुआ कैसे? इंग्लैंड में बुरी तरह फेल होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी और मूविंग पिचेस पर कोहली ने कैसे जड़ दिए एक नहीं दो नहीं चार शतक? चलिए बता ही देता हूँ। ये सब मुमकिन हुआ सचिन रमेश तेंदुलकर की बदौलत, जिन्होंने इंग्लैंड टूर के बाद विराट को रीच आउट किया और कोहली ने बीइंग एन ओबीडिएंट स्टूडेंट उनके एडवाइस को अपनाया।
सचिन ने विराट को अपनी फॉरवर्ड प्रेस टेक्निक पर काम करने को कहा और विराट ने ये इम्प्रूवमेंट अपनी बैटिंग में इम्प्लीमेंट कर दिया। इसके बाद तो ODIs और T20s में राज करने के बाद विराट बिकेम एन इनविंसिबल टेस्ट फिगर एज वेल। ये बात बिल्कुल सच है कि आने वाले दिनों में शायद विराट सचिन का वो हर रिकॉर्ड तोड़ दें जो हम सबको इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन कुछ बातों को एज अ क्रिकेट फैन कोई नहीं इग्नोर कर सकता। सचिन ने जिस ड्यूरेशन में अपने रन बनाए वो क्रिकेट का सबसे बड़ा ट्रांजिशन फेज था। जी हाँ, द 90s, जहां सचिन के अलावा केवल मोहम्मद अजहरुद्दीन ही थे जिनको उनका प्रॉपर बैटिंग पार्टनर माना जाता था। 1 बिलियन लोगों की होप्स को कैरी करने वाले एक 5 फुट 5 इंच के सचिन ही थे जिन्होंने इंडिया को अकेले अपने दम पर मैचेस जिताए हैं। अब बहुत क्रिटिक्स का ये मानना भी है कि सचिन अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलते थे, तो चलिए उन्हें भी जवाब दे दें। 22 अप्रैल 1998 को खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शारजा की डेजर्ट स्टॉर्म इनिंग्स में सचिन ने 143 रन मारे सिर्फ 131 बॉल्स में। इस मैच में फाइनल्स क्वालिफाई करने के लिए इंडिया को बनाने थे 237 रन, जो कि सचिन ने अकेले ही पार करा दिए। सचिन के बाद हाईएस्ट स्कोर था नैन मोंगिया का, वो भी सिर्फ 35 रन। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2 दिन बाद फाइनल्स में अपने जन्मदिन पर सचिन ने 134 रन ठोक दिए और इंडिया को कोका कोला कप जिता दिया। इस इनिंग्स के अलावा अपने करियर के आखिरी फेजेस में जब 2008 की सीबी सीरीज हुई, वहां भी सचिन ने दोनों फाइनल्स में शानदार बैटिंग कर इंडिया को जिताया था। और ऐसे कितने एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं, जैसे 98/73 वर्सेस पाकिस्तान, 2003 वर्सेस इंग्लैंड इन अ टेस्ट मैच जब 330 प्लस का टारगेट था, वर्सेस साउथ अफ्रीका जब डेल स्टेन अपनी पीक पर थे उनके सामने ODIs का पहला दोहरा शतक लगाना किसी भी नजरिए से आसान नहीं है। आज के एरा में क्रिकेट की क्वालिटी बहुत डिग्रेड हुई है और मैं कोहली से कोई क्रेडिट नहीं छीन रहा हूं, बट 90s एंड अर्ली 2000s में वसीम अकरम, ग्लेन मैकग्रा, शेन वॉन, बकार यूनिस, ब्रेट ली, शेन बॉन्ड, जैक कैरिस, मुरलीधरन और शोएब अख्तर जैसे बॉलर्स को डोमिनेट करना, और वो भी तब जब आपके अलावा पूरी बैटिंग लाइनअप में कोई भी मैच विनर नहीं है, आपको भगवान नहीं तो और क्या बनाएगा। हालांकि 2002 के बाद से सौरव, द्रविड़, लक्ष्मण, सहवाग, युवराज जैसे प्लेयर्स ने सचिन का बोझ जरूर कम किया, लेकिन सचिन ने तब भी ढील नहीं छोड़ी। विराट खुद इस कंपैरिजन को रिडिकुलस मानकर बोलते हैं कि जिस इंसान को देखकर मैंने बैट पकड़ना सीखा, जिसकी टेक्निक के आगे मैं खुद कुछ नहीं हूं, आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? I don't believe in them. कंपैरिजन एक है कि चलो बंदों का कंपैरिजन हो सके, तुम मेरा कंपैरिजन ऐसे इंसान से करते हो जिसकी वजह से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। स्किल लेवल में कोई मुकाबला ही नहीं, ही इज द मोस्ट कंप्लीट बैट्समैन एवर, कहां से कंपैरिजन हो सकता है? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर आप टेक्निक की बात करें तो आज के बॉलर्स विराट की एक वीकनेस को बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्हें वैसे ही आउट करते हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप हाफ वॉली, जिस पे वो 10 में से 8 बार एज कर जाते हैं। लेकिन थ्रू आउट हिज क्रिकेटिंग करियर ऐसा कोई बॉलर नहीं था जिसने सचिन की कोई भी वीकनेस एक्सपोज की हो, और अगर की भी तो इस मास्टर बैटर ने इतनी प्रैक्टिस की कि वो वीकनेस उनकी स्ट्रेंथ में बदल गई। अब चाहे आप शेन वॉन के खिलाफ उनके प्रैक्टिस सेशंस की बात करें, जहां उन्होंने अपने मुंबई के फ्रेंड्स को बुलाकर राउंड द विकेट लेग स्पिन खेलने की घंटों प्रैक्टिस की थी, या फिर वो 2004 सिडनी का डबल 100 जब सचिन ने एक भी कवर ड्राइव नहीं मारी थी जो कि उनका फेवरेट शॉट था, समथिंग दैट इवन विराट कैन लर्न फ्रॉम। 100 बातों की एक बात है, अगर विराट ने इंडियन क्रिकेट को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है तो सचिन ने उस ऊंचाई की नींव रखी थी। अगर विराट ने अग्रेशन से ओपोनेंट्स को डराया है तो सचिन ने अपने ग्रेस से ओपोनेंट्स को हराया है। अगर विराट इस खेल के मॉडर्न एम्बेसडर हैं तो सचिन एक इमोशन है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे और भी वीडियोस आप तक लाता रहूंगा। एस्पायर करते रहें, इंस्पायर करते रहें। दिस इज शिव इंस्पायर्स साइनिंग ऑफ।